अब आ रही है बिल्कुल आएगी ठीक है तो नॉन फंडिंग का मतलब है कि इसको फंड देने के लिए कोई भी गवर्नमेंट बॉडी नहीं होगी इसको कहीं से भी फंड रिसीव नहीं होंगे ये अपना फंड खुद अराइज करेगी ठीक है इसके बाद में आता है सेबी सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनके डिस्क्रिप्शन ही पढ़ने अपने को ये क्या क्या काम करते हैं इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इनकी हेडक्वार्टर कहां पर ठीक है और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन कौन गवर्नर मतलब कौन कौन काम करता है इसके बाद में तीसरा आता है है का मतलब है? Competition Commission of India. इसको भी कहीं से पैसा नहीं मिलता स रेगुलटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके बाद में आता है नाबार्ड नाबार्ड नाबार का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ठीक है नाबार्ड अब नाबार्ड के लिए क्या बोला गया ये कैसा है फंडिंग इंस्टीट्यूट फंडिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको क्योंकि नाबार्ड को जो रिसीव होते हैं वो कहां से होते हैं आरबीआई से ठीक है एंड अदर कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन से ठीक है इसके अंदर ऊपर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोई की काम की चीजें नहीं है सारे क्वेश्चन जो है वो यहां से बनेंगे इनके जो नाम है यहां से पढ़ना स्टार्ट करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है सबसे पहली बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका एक्ट कौन सा है ठीक है इसको रन करने की बॉडी कौन सी है अपॉइंट कौन करता है ये सारी बातें तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टेब्लिशमेंट कब हुआ फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन डेट याद हो जाएगी जिस दिन स्टेब्लिशमेंट हुआ उससे एक साल पहले इसका एक्ट आया था ठीक है कब आया 1934 तो आरबीआई एक्ट कब का है 1934 का ठीक है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1935 में ठीक है देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ठीक है फिर इसके बाद में ठीक है इसका हेड क्वार्टर पहली बार कहां पर इस्टेब्लिश हुआ था कोलकाता के अंदर कहां पर है कलकत्ता में या कोलकाता के अंदर ठीक है बाद में जाकर 1937 में इसको ट्रांसफर कर दिया कहां पर मुंबई के अंदर देखो लिखा हुआ है इनिशियली इस्टेब्लिशड इन कलकत्ता बट वाज टली मूव टू मुंबई इन थर्टी सेवन ठीक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ए डायरेक्टर यह बात याद रखनी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने नाम सुना होगा गवर्नर डिप्टी गवर्नर एग्जीक्यूटिव गवर्नर ठीक है जनरल प्रिंसिपल गवर्नर सॉरी

रोल ऑफ आरबीआई क्या काम होता है आरबीआई का सबसे पहला रोल है दिस इज द अपेक्स अपेक्स क्यों कहते हैं क्योंकि कंट्री के सभी बैंकिंग सिस्टम को रन करने का काम किसका है आरबीआई का का आगे बात कंट्री जितना भी फाइनेंशियल बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम है उसके ऊपर कंट्रोल एंड रेगुलेशन किसका होगा आरबीआई का दैट्स वाई इट इज नोन एज ए अपेक्स बैंक ठीक है सेकेंड रोल देखें इसका रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड असिस्टिंग द ग्रोथ दूसरा रोल है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करके रखना इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल बनाए रखना ठीक है क्योंकि इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई टाइम टू टाइम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता रहता है चेंज मॉनेटरी पॉलिसी का नाम सुना है आपने कंट्री के अंदर क्रेडिट एंड मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रेटजी पॉलिसी डिसाइड करता है उसको ही क्या बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है जिसके दो मेजर नाम सुने होंगे आपने क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर्स

पॉलिसी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी की सप्लाई से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी है उसको कंट्रोल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की ठीक है एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ठीक है गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी रेडी करेगी उसको टाइम टू टाइम एडवाइस देने का काम कौन करेगा आरबीआई मतलब गवर्नमेंट का एडवाइजर है ठीक है रिप्रेजेंट द कंट्री इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक फॉर्म्स ये याद रखेंगे कि इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट कौन करता है

क्योंकि इन्फ्लेशन आना और जाना कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही कंडीशन किसकी वजह से क्रिएट होती है मनी की सप्लाई की वजह से कंट्री में जितनी ज्यादा मनी की सप्लाई होगी कंट्री में उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा मनी की सप्लाई कम होगी तो डिफ्लेशन आ जाएगा और मनी की सप्लाई को कंट्रोल कौन करेगा तो सीधी सी बात है कंट्री का इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कौन करेगा आरबीआई फिर इसके बाद में प्रोटेक्ट द मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड चैनलाइज द क्रेडिट इन डिजायर्ड डायरेक्शन कंट्री के अंदर क्रेडिट किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे ये भी कौन डिसाइड करता है आरबीआई ठीक है कौन से सेक्टर्स को लोन देना है किसको लोन नहीं देना है ठीक है अभी मैंने आपको एक नाम बताया था क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव मेजर मनी की सप्लाई को कम ज्यादा करने का, का काम क्वांटिटेटिव मेजर्स का है जिसमें बैंक रेट रेपो रेट ये सब आते हैं ठीक है सीआरआर एस आर जबकि दूसरा जो बताया था मैंने कौन सा क्वालिटेटिव मेजर क्वालिटेटिव मेजर का काम क्या है कंट्री में मनी और क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करना उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करना कि करनाशियल बैंक जो क्रेडिट्स हैं वो किस डायरेक्शन में देंगे ये डिसाइड कौन करेगा आरबीआई समझ में आ गया जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सॉरी आरबीआई डिसाइड करेगा कि कॉमर्शियल बैंक ठीक है अपनी टोटल डिपोजिट का कितना पार्ट प्रोड्यूसर गुड्स इंडस्ट्री को दे सकते हैं कितना पार्ट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को दे सकते हैं ठीक है कितना पार्ट कंजप्शन के लिए दे सकते हैं तो ये सारी चीजें डिसाइड कौन करेगा

और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब जो तो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है जो आगे जाकर और प्रोडक्शन करेंगी ठीक है तो इंडस्ट्रीज में भी कौन सी इंडस्ट्रीज को कितना लोन देना है ये कौन डिसाइड करेगा आरबीआई तो इट्स मीन द आरबीआई डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ लिक्विडिटी क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकॉनमी ठीक है इसके बाद में अब आता है फंक्शन ऑफ आरबीआई आरबीआई के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या होता है इसका इश द करेंसी नोट कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई करने के लिए देखो मनी की सप्लाई कौन कौन करता है कंट्री में दो लोग करते हैं कौन कौन एक तो आरबीआई दूसरा आरबीआई से लेके अपने को दे देते हैं नहीं, बात तो सही बोल रहे गलत नहीं बोल रहे कैसे होता है भाई मनी सप्लाई हाउ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी देखो समझो छोटी सी प्रोसेस है अच्छा बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करवाता है उसके ऊपर उसका राइट है विड्रॉ करने का सही yes. बात है क्या डिमांड डिपॉजिट का नाम सुना होगा yes. बैंकिंग कस्टमर की डिमांड करने पर पेबल होंगी या नहीं होंगी yes. चलो ठीक है आरबीआई ने किसी ए पर्सन को रुपए दिए या किसी ए फर्म को पैसा दिया और इस ए फर्म ने अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया ठीक है वन लाख रुपीज अरे किसी भी मतलब यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि आरबीआई के थ्रू कैसे भी पैसा किसके पास आ गया फर्म के पास आरबीआई तेरे को देने आया था क्या फिर भी तेरे पास पैसे हैं ना ठीक है तो इसका मतलब नहीं है ये गरीबी पढ़, पढ़ रहे हो आरबीआई टोपी की है आरबीआई से किसी भी फॉरम में किसी भी मीडियम के थ्रू पर्सन के पास पैसा आ गया ये समझ ले अब ये इस ए पर्सन ने अपने बैंक अकाउंट में इसको डिपॉजिट करवा दिया अब बैंक क्या करेगा इसका अरे इस 1 लाख रुपए का बैंक क्या करेगा दो तो पार्टीशन में डिवाइड कर देगा एक तो अपने रिजर्व में रखेगा और सेकंड किसी अदर पर्सन को लैंडिंग कर देगा करेगा या नहीं करेगा अच्छा ये मान लो कोई बी पर्सन है बी पर्सन ने लोन ले लिया बी पर्सन लोन लेगा क्यों कहीं ना कहीं एक्सपेंड करने के लिए ठीक है तो बी पर्सन एक्सपेंड करेगा तो ये पैसा किसके पास जाएगा किसी ना किसी सी पर्सन के पास जाएगा या नहीं जाएगा अगर मान लो सी पर्सन ने अपने बैंक में पैसा जमा करवा दिया तो इसके पास एक प्राइमरी डिपोजिट आ जाएगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग हुई थी एट्टी थाउजेंड रुपीज की तो बी से सी के पास कितना आया एटी तो सी से इस बैंक के पास कितना चला गया एट्टी थाउजेंड रुपीज अब फिर से ये बैंक क्या करेगा इसको दो तो पार्टेशन में डिवाइड करेगा करेगा या नहीं करेगा चलो इसमें से एक पार्ट मान लो में से टेन थाउजेंड रुपीज बैंक ने अपने पास रख लिए और बाकी के, जो लेगा? ये भी खर्चने के लिए लेगा कहीं ना कहीं तो डी खर्चा करेगा तो डी का पैसा किसके पास जाएगा और ई e अपने बैंक अकाउंट में इसको डिपोजिट करवा देगा ठीक है अब इकोनॉमी के अंदर टोटल मनी सप्लाई कितनी हो गई भाई अच्छा आदमी ने अपने बैंक में पैसा जमा करवाया था कितने रुपए मांगने का राइट रखता है, से? एक लाख रखता है गया? ने। फिर ये अच्छा सी कितने मांगने का राइट रखता है अस्सी हजार रुपए रखता है या नहीं रखता सी का पैसा किसको दे दिया और डी ने ई को एक्सपेंड करके दे दिया और ई ने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया कितना रुपये हो गया सत्तर तो कितना मांगने का राइट रखता है ठीक है आपने मनी सप्लाई के मेजर्स पढ़े होंगे मेजर पढ़ा था क्या? क्या क्या होता होता है है? है? नाम सुना का मतलब करेंसी यूनिट प्लस DD का मतलब है, हम हमारे पैसे में अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा रखते हैं वो भी हमारी क्या है मनी मनी सप्लाई है ठीक है तो ए अपने खाते में कितने रखता है और सी के खाते में और ई के खाते में टोटल मनी सप्लाई कितनी हो गई दो लाख पचास हजार ठीक है आरबीआई ने कितने इशू किए थे और अब कितने हो गए इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स समझ में आ गया क्या और ये प्रोसेस कब तक चलती जाएगी जब तक एडवांसिंग का अमाउंट क्या ना हो जाए और ये कैसे पता चलेगा कब जीरो पता चलेगा क्रेडिट है?

लाख आरबीआई ने कितना दिया था तो बाकी के चार लाख किसने क्रिएट किए हैं कॉमर्शियल बैंकों ने समझ में आगे क्या देखें सबसे पहला काम तो होता है आरबीआई का करेंसी नोट्स को इश्यू करना अब यहां पर बात क्या याद रखनी है आपको

फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होंगे ठीक है तो याद रखना वन रुपी का कॉइन और वन रुपी का नोट दोनों के दोनों कौन इशू करेंगे ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ ए फाइनेंस और बाकी सब आरबीआई इसके बाद में आगे देखो सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है क्या है बैंकर टू द गवर्नमेंट ठीक है जिस तरीके से हमारे कॉमर्शियल बैंक हमारे साथ ट्रीट करते हैं उसी तरीके से आरबीआई किसके साथ ट्रीट करेगा गवर्नमेंट के साथ ठीक है अब हमारा बैंक क्या क्या करता है हमारे भी आप में डिपोजिट को एक्सेप्ट करेगा हमारे पास पैसे हो तो हम कहा जाके डिपोजिट पड़ेगी तो लोन किससे लेंगे एडवाइस भी ले सकते हैं आगे बात इसी तरीके से गवर्नमेंट के गिपोजिट को एक्सेप्ट करता है आरबीआई जब गवर्नमेंट को फाइनेंशियल डेफिसिट होता है या किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो लोन देने का काम भी किसका है आरबीआई का ठीक है आरबीआई का तीसरा काम है एज ए एडवाइजर जब भी गवर्नमेंट अपनी कोई मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी तो एडवाइस किससे लेगी आरबीआई से आगे बात में इन तीनों फंक्शन को ही क्या बोलते हैं ठीक है बैंकर टू द गवर्नमेंट देखो क्या क्या लिखा हुआ है देखो इट ट्रांजेक्ट ऑल जनरल बैंकिंग बिजनेस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो बैंकिंग बिजनेस हमारे कमर्शियल बैंक जनरल पीपल को अवेलेबल करवाते हैं वही सेम बैंकिंग बिजनेस है आरबीआई किसको अवेलेबल करवाएगा सेंट्रल एंड ए स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा लोकल बॉडीज को भी करवाता है क्या गवर्नमेंट के भी तीन है क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज आप जो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूसिपल काउंसिल देखते हैं ये सब क्या है लोकल बॉडीज है लोकल बॉडीज को आरबीआई फंड अवेलेबल है नहीं करवाता उनके साथ बैंकिंग बिजनेस है नहीं करेगा तीन ही आदमियों के साथ बैंकिंग बिजनेस करता है जनरली ठीक है एक तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूट ठीक है इसके बाद में अगला काम क्या दे रखा है मैनेज पब्लिक डेप्ट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इश्यू ऑफ न्यू लोन्स ठीक है पब्लिक डेप्ट को कंट्रोल करेगा पब्लिक मतलब पब्लिक डेप्ट का मतलब है ठीक है गवर्नमेंट को लोन अवेलेबल करवाएगा एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर इश्यू ऑफ न्यू लोन और जब जब गवर्नमेंट को नए लोन की जरूरत पड़ेगी तो पैसा लाकर कौन देगा आरबीआई तो में जब गवर्नमेंट के पास लोन कलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ठीक है तो ये किससे जाकर लोन मांगेगा आरबीआई से अब आरबीआई भी दो तीन तरीके से लोन दे सकता है या तो कॉमर्शियल बैंकों से एक्सट्रैक्ट करके गवर्नमेंट को लोन दे देगा या न्यू करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को लोन देगा ठीक है पर न्यू करेंसी प्रिंट करने में नुकसान है क्या ठीक है न्यू करेंसी प्रिंट करके अगर गवर्नमेंट को लोन दोगे तो गवर्नमेंट उसको खर्च करेगी कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई बढ़ेगी और मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा अगली बात समझ में तो जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को लोन देता है बाई यूजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ डिपोजिट बाई द कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंकों से ही पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को लोन दे देगा ठीक है ताकि कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई मेंटेन रहे इसके बाद में सेल द ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के भी आप में यह क्या करेगा ट्रेजरी बिल्स को या के में, को करेगा. 90 को दो तरीके के लोन अवेलेबल करवाएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन जो अवेलेबल करवाएगा वो कितने डेज का होगा नाइनटी डेज का होगा ये याद रखना है हाँ पूछो ट्रेजरी बिल क्या होते हैं ट्रेजरी बिल नहीं शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से होते हैं क्या होते हैं जैसे बॉन्ड होते हैं ना एक तरीके से बॉन्ड समझ एक प्रोमिसरी लेटर है जिसको पोज करने पर उसके ऊपर लिखा हुआ अमाउंट आपको मिलेगा ठीक है तो ऐसे समझ ले जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स हैं उनका एक्सचेंज करता है किसके भी आप में गवर्नमेंट के भी आप में ठीक है इसके बाद में द आरबीआई आल्सो एक्ट एज एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट नॉट ओनली पॉलिसी कंसर्निंग ठीक है पॉलिसी के अलावा भी अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए भी ये क्या करता है एडवाइस देगा आरबीआई को तो जनरल जनरल सी बातें याद रखनी है बैंक की डिपोजिट रखेगा बैंक को लोन अवेलेबल करवाएगा ठीक है बैंकों को फाइनेंशियल सॉरी कॉमर्शियल बैंकों को सॉरी गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एडवाइस करेगा इसके बाद में आता है बैंकर्स बैंक बैंकर्स बैंक का मतलब है जिस तरीके से ये गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा था उसी तरीके से आरबीआई किसके साथ डील करेगा कॉमर्शियल बैंकों के साथ कॉमर्शियल बैंकों की डिपोजिट्स को एक्सेप्ट करेगा कॉमर्शियल बैंकों के बिहाफ में ठीक है अदर रेस्पेक्टिव बैंकों को ट्रांजेक्शन करेगा जब भी कॉमर्शियल बैंकों को लोन की जरूरत होगी तो उनको लोन अवेलेबल करवाएगा आगे बात समझ में और फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड रेगुलर पॉलिसीज से इंट्रोड्यूस करवाता रहेगा किसको कॉमर्शियल बैंक ठीक है टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक अपनी जो पॉलिसी चेंज करेगा ठीक है उसका नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन किसको देता रहेगा कोमर्शियल बैंकों को इसी को क्या बोलते हैं बैंकर से बैंक ठीक है फादर ऑफ बैंक भी बोलते हैं इसी को आगे देखो यहां पर एक एक्ट याद रखना है आपको कॉमर्शियल सॉरी बैंकिंग कंपनीज एक्ट कौन सा होता है 1949 इस चैप्टर के अंदर डेट का बहुत सिग्निफिकेंस है भाई तीन चार डेटे तो आ चुकी है कौन कौन सी आरबीआई का स्टेब्लिशमेंट कब एक्ट ठीक है इसके बाद में इसका ट्रांसफर अरे मुंबई में तो बार डेट ठीक है और इसका कैप नेशनलाइजेशन कब हुआ था पता है 1949 के अंदर तो ये चार डेट तो यहां हो गई और बैंकिंग कंपनीज की एक्ट कौन सा चल रहा है टू नाइनटीन तो दो डेट सिमिलर आ गई कौन कौन सी आरबीआई का नेशनलाइजेशन और बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 आगे देखो फाइनेंशियल असिस्टेंस कॉमर्शियल बैंकों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा जब जब कॉमर्शियल बैंकों को पैसे की जरूरत होगी वो किसके पास जाएंगे ठीक है अगर कॉमर्शियल बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो दो आदमियों के पास जाते सॉरी तीन लोगों के पास जाएंगे वो जब जब कॉमर्शियल बैंकों के फंड की जरूरत होगी तो या तो वो रिक्वेस्ट करेंगे किससे पब्लिक से पब्लिक से मनी को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ठीक है आपने सुना होगा देखा होगा कि प्राइवेट बैंक वाले क्या करते हैं ठीक है कोशिश करते हैं हर किसी का अकाउंट ओपन करवाने की ठीक है मार्केटिंग के थ्रू मार्केटिंग के थ्रू वो अकाउंट ओपन क्यों करवाना चाहते हैं क्योंकि जितनी ज्यादा उनके पास डिपोजिट आएंगी वो उतना ही ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे क्योंकि अदर पर्सन को लोन भी कहां से देते से देते हैं ही तो देंगे तो जितनी ज्यादा डिपोजिट होंगी तो या तो कॉमर्शियल बैंक को अगर कभी लोन की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो वो कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा पब्लिक से दूसरे नंबर पर अदर रेस्पेक्टिव बैंकों के साथ समझ तो नहीं अगर उसको लोन की पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो दोस्तों के पास जाएगा या नहीं जाएगा

और बदले में जो लोन लेंगे उसके ऊपर जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसी को क्या बोलते हैं बैंक रेट ठीक है बैंकों को जिस रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई लोन अवेलेबल अवेलेबल करवाता है उसको क्या बोलते हैं बैंक अगर शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल करवाया तो रेपो रेट और लॉन्ग टर्म के लिए करवा दिया तो बैंक रेट ठीक है देखो कंडक्ट द इंस्पेक्शन ऑफ द कॉमर्शियल स्पेशली याद रखना आरबीआई क्या करता है ठीक है कॉमर्शियल बैंकों का टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करता रहता है इंस्पेक्शन करने का मतलब कोई एंटी एंटी बैंकिंग प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं कर रहे हो ठीक है किसी तरीके का स्कैम ना करें किसी तरीके का एंटी बैंकिंग प्रैक्टिस ना करें आरबीआई ने जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं ठीक है उनको फॉलो अप करते रहे इन सब चीजों के लिए ये इंस्पेक्शन करता रहेगा ठीक है इसके बाद में आता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यहां पर किससे है जनरली डॉलर से है ठीक है ईच कंट्री को अपने पास फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करके चलना पड़ता है क्यों क्योंकि तो जब भी अपन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट करेंगे तो पैसा कहां से आएगा भाई इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बाहर से मंगवाना परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इंपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए आपको पैसा किस में देना पड़ेगा डॉलर में तो आपके पास रिजर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है तो उस रिजर्व को मेंटेन करने का काम किसका है आरबीआई का और आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वही डिसाइड करेगा कि इंडियन करेंसी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कितनी होगी समझ में समझाइए नहीं तो सीधी सी बात है इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने का काम किसका है आरबीआई का ठीक है आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्यों मेंटेन करता है ठीक है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आपके जो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं ठीक है उनके लिए मनी अमाउंट उनके लिए ट्रांसफर को सेटल करने के लिए दूसरा कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रोल प्ले करेगा देखो मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रूपी इट हैज टू इंश्योर दैट नॉर्मल शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन द ट्रेड डू नॉट इफेक्ट द एक्सचेंज रेट कि कंट्री के अंदर जो फ्लक्चुएशन आते रहते हैं उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रि, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रेट इफेक्ट न हो ठीक है इस चीज को कंट्रोल करेगा आरबीआई ठीक है अच्छा आरबीआई को जब लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो कहां से लेकर आएगा ठीक है सीधी सी बात है जब आरबीआई को लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी तीन आदमियों के पास जाएगा या तो कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा ठीक है या खुद के पास आएगा और खुद के पास आकर अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करना स्टार्ट करेगा और यहां से भी नहीं मिला तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ठीक है कौन सा है आई एम एफ इंटरनेशनल मोनिटरी फंड इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है ठीक है देखो इट ऑल्सो एडमिनिस्ट द एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ द कंट्री एंड इनफोर्सेज द इन्फोर्सेज द प्रोविजन ऑफ फोरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये अंडरलाइन करें स्पेशली फोर प्रोविजन बनाता है किससे रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसके बाद में आता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब कंट्री के अंदर लैंडिंग को कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है किसके थ्रू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू देखो लिखा है गया आरबीआई लाइक एनी अदर सेंट्रल बैंक पोजेज पावर टू यूज ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड टू क्रेडिट कंट्रोल इसके बाद में आता है प्रमोशन ऑफ फंक, प्रमोशनल फंक्शन ये नया फंक्शन है ठीक है अभी तक अपन जिन फंक्शन की बात कर रहे थे वो ट्रेडिशनल फंक्शन है सभी कंट्रियों के सेंट्रल बैंक परफॉर्म करते हैं ठीक है ये क्या है प्रमोशनल फंक्शन प्रमोशनल फंक्शन का मतलब कंट्री के अंदर लोगों में बैंकिंग हैबिट्स को क्रिएट करने के लिए ये क्या करता है एफर्ट्स लगाएगा ठीक है अभी आपने देखा होगा कि जीरो डिपॉजिट के ऊपर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने की परमिशन दी है गवर्नमेंट ने चंदन अकाउंट का नाम सुना है

लगा गई तो अब ऐसे केस के अंदर ठीक है बैंकों को सिक्योरिटी या कंज्यूमर्स को इंश्योर कौन करेगा आरबीआई ठीक है लोगों में बैंकिंग हैबिट्स के के क्रिएट करने लिए आरबीआई उनको इंश्योर करता है कि कोई भी ठीक है अगर बैंक डिफॉल्टर निकलता है तो उनका अमाउंट कौन अवेलेबल करवाएगा आरबीआई तो ये इसका प्रमोशनल फंक्शन है फंडामेंटल फंक्शन नहीं है ठीक है तो कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम को एक्सपांड करने के लिए ठीक है या फिर बैंक बैंकिंग कस्टमर्स में बैंक को लेकर हैबिट क्रिएट करने के लिए जो कुछ एफर्ट्स आरबीआई लगाएगा उसको क्या बोलते हैं प्रमोशनल फंक्शन ठीक है देखो क्या लिखा हुआ है एपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म सॉरी परफॉर्म्स वेराइटी ऑफ डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल फंक्शन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग बैंकिंग हैबिट्स अमंग द पीपल एंड मोबिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम एवरी कंसर्न कॉर्नर ऑफ द कंट्री कि लोग अपने पैसे को सेविंग्स को बैंकों में डिपोजिट करवाए इस चीज के लिए प्रमोट भी कौन करेगा आरबीआई अब लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कब करवाएंगे जब आरबीआई इस बात की गारंटी देगा कि अगर बैंक भाग गया तो पैसा कौन देगा आरबीआई देगा कब तक देगा जब तक नहीं जब तक वो भाग नहीं मतलब कितने अमाउंट तक देगा पांच लाख रुपए तक की सिक्योरिटी का पैसे देगा ठीक है अगर आपके बैंक अकाउंट में पांच लाख रुपए तक है और बैंक डिफॉल्टर हो गया बैंक आपका पैसा देने से मना कर रहा है तो आप आरबीआई से जाकर अपील कर सकते हो कितने रुपए तक है और ज्यादा हो तो पेड की एंट्री आती है ना कर देना ठीक है आगे देखो इट इट हैसिबिलिटी ऑफ प्रोविजन फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने के लिए ट्रेड सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए इसने एक अलग से यूनिट बनाई है क्या नाम है बा एक बना रखा है एक्सिम बैंक और एक बना रखा है सिडबी ठीक है एक्सिम बैंक का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ठीक है हाँ सर इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही मेरे को तो बोलो बैंकिंग सेक्टर को ठीक है टेरिटोरियल का मतलब तो है मनी के रूप में ठीक है और फंक्शनली का मतलब उनके काम करने के पैटर्न के ऑर्डर में आरबीआई डिसाइड करेगा कितनी इंटरेस्ट रेट लेनी है कितनी नहीं लेनी है ठीक है आरबीआई डिसाइड करेगा कितना लैंडिंग कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो ठीक है ये इसका फंक्शन है फाइनेंशियल असिस्टेंस फिर ठीक है अरे एक में तो उसकी टेरिटोरियल का तो मतलब है लिमिट डिसाइड करना ठीक है और फंक्शनल का मतलब है बैंकिंग सिस्टम वर्क करने का जो तो पैटर्न है उसको डिसाइड करना इसके बाद में कलेक्शन ऑफ पब्लिक पब्लिकेशन कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कंट्री में मनी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डाटा है वो कौन कलेक्ट करेगा आरबीआई आगे बात में पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा कौन कलेक्ट करता है एन और नेशनल इनकम से रिलेटेड अरे पढ़ के आए होंगे नेशनल इनकम में नेशनल इनकम के रिकॉर्ड्स कौन कलेक्ट करता है टीएसओ का नाम सुना है नहीं सुना गलती नहीं आपकी नहीं है सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और एनएसएसओ का मतलब है एनएसएसओ का मतलब नेशनल सैंपलिंग सर्वे प्रेजेंट में दो हजार उन्नीस के अंदर दोनों को मर्ज करके बना दिया एनएसओ अब दोनों नेशनल इनकम और ठीक है डेमोग्राफिक कंडीशन दोनों के डाटा कौन कलेक्ट करता है एनएसओ करता है उसी तरीके से मॉनेटरी रिलेटेड डाटा जितने भी होंगे वो कौन कलेक्ट करेगा आरबीआई अगली बात में अच्छा एक नाम आया था कि एनएसओ तो डाटा को कलेक्ट करता है पॉपुलेशन के डाटा रिलीज कौन करता है तो कलेक्ट करेगा ना यहां पर तो कलेक्शन और रिलीज करने का काम दोनों आरबीआई का है कोई बोल रहा है कि ये काम भी उसी से करवा लेते ठीक है रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया का नाम सुना है आरजीआई ठीक है नहीं सुना आज सुन ले देखो आरबीआई रोल आरबीआई इज रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए आरबीआई के क्या क्या रोल है तो आरबीआई क्या बनाता है करेंसी पॉलिसी करेंसी पॉलिसी में रिस्पांसिबल फॉर द मोनेटाइजेशन इकोनॉमी, कंट्री के अंदर मोनेटाइजेशन करना मोनेटाइजेशन का मतलब मनी की सप्लाई को मेंटेन करना अब मोनेटाइजेशन के दो पार्ट होते हैं डीमोनेटाइजेशन और रिमोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है <laughs> <laughs> नोट बंदी सही बात है नोट यहां मीनिंग क्या है नोट का ये जो प्रीवलिंग करेंसी है उसके लीगल टेंडर को गवर्नमेंट आरबीआई क्या कर देगा कैंसिल आगे बास में और रिमोनिटाइजेशन का मतलब उसके प्लेस पर नई करेंसी को क्या करेगा इश्यू करेगा उसको बोलते हैं रिमोनिटाइजेशन ठीक है और अभी जो तो हुआ था वो दोनों हुए थे और रिमोनिटाइजेशन ठीक है किसी पर्टिकुलर करेंसी को बंद कर दिया तो वो क्या है रिमोनिटाइजेशन जैसे एक रुपए का नोट बंद कर दिया ठीक है वन थाउजेंड का बंद कर दिया उसके लिए तो क्या हो गया और उसके प्लेस पर नई करेंसी आ गई उसका रिमोनेटाइजेशन ठीक है तो कंट्री के अंदर रिमोनेटाइजेशन और डिमोनिटाइजेशन भी कौन करेगा आरबीआई ठीक है आरबीआई आल्सो ओवरसीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन करेंसी फैसिलिटेट द ओवरसीज बिजनेस फैसिलिटेटेक्शन किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना है तो फॉरेन करेंसी चाहिए ठीक है तो उस टाइम पर फॉरन करेंसी अवेलेबल कौन करवाएगा आरबीआई ठीक है तो ये तो है करेंसी पॉलिसी दूसरा आता है क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट पॉलिसी के दो पार्ट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ठीक है देखो पॉलिसीज हैव मेजर इंपैक्ट ऑन चैनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग रिसोर्सेज फॉर ए बिजनेस मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इस बात को इंपैक्ट करेगी कि कॉमर्शियल बैंक बिजनेस एंटरप्राइजेस को कितना लोन दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते वो अपने पास कितनी डिपॉजिट रखेंगे कितनी नहीं रखेंगे टोटल डिपॉजिट का कितना पार्ट उन्हें आरबीआई के पास रखना पड़ेगा ठीक है आगे इसके बाद में कुछ छोटे छोटे टर्म दे रखे हैं जैसे एसएलआर क्या फुल फॉर्म होती है एसएलआर की टेचरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर की चलो बढ़िया एक यहां पर एक स्टेटमेंट है इसको अंडरलाइन करें इंट्रोड्यूस ओवर ऑलवेज द मेजर्स ऑफ मैग्निट्यूड ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर सच एज इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बेसिस पॉइंट ये टर्मिनोलॉजीज में भी आया था आइटम बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेसिस पॉइंट और जनरली इसको किससे डिफाइन करते हैं वन बाई हंड्रेड ठीक है इसके बाद में अब आता है एस एल आर एंड ए सी आर आर क्वांटिटेटिव मेजर और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर क्या होते हैं जो डायरेक्ट मनी की सप्लाई और क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे ठीक है क्रेडिट की सप्लाई की क्वांटिटी को कम और ज्यादा करने वाले तो होते हैं क्वांटिटेटिव और मनी और क्रेडिट्स के डायरेक्शन को डेटरमाइन करने वाले क्या होते हैं क्वालिटेटिव याद रहेंगे क्या डायरेक्शन को डेटरमाइन करेगा वो और क्वांटिटी को डेटरमाइन करेगा वो क्वांटिटेटिव देखो दीज इफेक्ट फंड अवेलेबिलिटी ऑल द सेक्टर्स आरबीआई हैज हैजर क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल थ्रू थ्रू द विच इंफ्लुएंस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू ए पर्टिकुलर सेक्टर मतलब किस पर्टिकुलर सेक्टर को लोन अवेलेबल होगा किसको नहीं होगा ये यह किसमें होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये नाम याद रखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब अपनी टोटल डिपॉजिट का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कौन सेक्टर को लेंडिंग कर सकता है उसको ही क्या बोलेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग

में और रेस्ट ऑफ द पार्ट वो क्या करेगा लैंडिंग पर लैंडिंग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी से हर किसी को लैंडिंग कर दे ठीक है आरबीआई डिसाइड करेगा कि रिमेनिंग लैंडिंग पार्ट का कितना प्रपोर्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर को देगा और कितना कंज्यूमर सेक्टर को ठीक है इसी को क्या बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर है लैंडिंग ठीक है अब आता है बैंक रेट बैंक रेट क्या होती है पहली बात बैंक रेट का दूसरा नाम क्या होता है डिस्काउंटिंग रेट टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर भी आया था ये। बैंक रेट का दूसरा नाम क्या है डिस्काउंटिंग रेट और डिस्काउंटिंग रेट मतलब बैंक रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स ट्रू बैंक ठीक है इसके बाद में दो नाम और आए थे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक सॉरी एट विच आर बी आई लेंड टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर टर्म पीरियड ऑफ टाइम फॉर द टू वीक्स, दो वीक के टाइम के लिए इसके बाद में एक बात और याद रखनी है रेपो रेट डिफर फ्रॉम द बैंक रेट रेपो रेट और डिफर बैंक रेट में क्या डिफरेंस है फर्स्ट टाइम पीरियड का एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए दूसरी बात रिवर्स रेपो रेट क्या होती है मर्शियल बैंक लैंड टू आरबीआई और मैंने अभी आपको बोला था जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है तो तीन आदमियों के पास जाता है वो किस किस के पास? Commercial. Commercial bank के पास? पास. तो commercial bank के पास जाएगा तो ठीक है अच्छा मेरे को एक बात बताओ रेपो रेट के अंदर जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो आरबीआई क्या बिना मोट के लोन लेगा ले ले दे देगा क्या नहीं बदले में वो क्या लेगा सिक्योरिटीज किसकी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लेगा क्योंकि आरबीआई की नजर में ओनली किसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट की समझ में आई या नहीं है जिस, वो जब चाहे खरीद सकता है और बेच सकता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बी आप में जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है और जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो क्या है रेपुरेट. ठीक है रेपो रेट ठीक है इसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एक टर्म आ रहा है साइन क्वानन क्या मतलब होता है इसका साइन क्वानन का मतलब याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहां जहां ये टर्म आएगा बहुत बार आएगा एक फोर्थ चैप्टर के अंदर भी आएगा साइन क्वानन देखो क्या लिखा है द फाइनेंस इज सेट टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस किसी भी बिजनेस का जो ब्लड ऑफ लाइफ है वो क्या है फाइनेंस ठीक है डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप्ड हो ठीक है ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये साइन कॉनन वर्ड का मीनिंग याद रखना है ठीक है आरबीआई में बी रिगार्डेड एज द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम हु इज द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आरबीआई ठीक है अच्छा फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट से सिस्टम फंड्स को ट्रांसफर कितनी फॉर्म में कर सकते हो आप अरे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास फंड कितने फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है दो मोड के अंदर हो सकता है ऑफलाइन और ऑनलाइन ठीक है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड कौन कौन से हैं yes. एक तो कैश में दे दो अगले को और yes. ठीक है चेक की फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है और इसके अलावा किसी ड्राफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है और बीपी लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है ठीक है आगे देखो एक्सचेंज बिल्स डिजिटल पेमेंट के कौन कौन से मीडियम है एक तो क्रेडिट कार्ड हो सकता है ठीक है इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है मोबाइल बैंकिंग हो सकती है ठीक है और इन सबको भी रेगुलेट कौन करता है आरबीआई ठीक है इसके बाद में आता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी डेट याद करें फिर से कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था किसका <laughs> देखो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टेब्लिशमेंट कब हुआ 12 अप्रैल 1980 और एक्ट कब आया है? 1990 हर्षद मेहता ठीक है कब किया था उसने कांड 1991 के अंदर किया था ठीक है जेल में गया था 1992 में हाँ जेल में जाने वाली तो याद रहेगी तुम्हारे हाँ ठीक है उसने जो स्कैम किया है उस जैसी एंटी सोशल प्रैक्टिस वापिस रिपीट ना हो इसी के लिए क्या बनाया गया एक्ट समझ में आ गया तो 1990 पहला देखो कोई भी पहली गवर्नमेंट बॉडी है जिसके अंदर बॉडी का स्टेब्लिशमेंट पहले हुआ था और एक्ट बाद में आया तो नाइनटीन में स्टेब्लिशमेंट हो गया था और 1992 के अंदर हेडक्वार्टर कहां पर है ठीक है अब नाम नहीं बोला जा रहा होगा ठीक है इसकी जो हेडक्वार्टर है इसमें यहां नहीं दे रखा है, नीचे पेज पर दे रखा होगा कोई नहीं यहां तो ये डेट याद कर लो और ये इफेक्ट में कब आया था ये डेट याद रखनी है भाई ठीक है थर्टी जनवरी नाइनटीन नाइनटी टू और इस्टेब्लिशमेंट ट्वेल्व अप्रैल नाइनटीन एटी एट ठीक है क्या अरे है तो मुंबई में देखो कैपिटल इश्यूज एज बाइन रिअपील्ड बाय द सेबी एंड अथॉरिटी अंडर द कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट अच्छा सेबी से पहले कौन काम करता था ये भी याद कर लेंगे आरबीआई नहीं काम करता था इतनी देर हो गई आरबीआई दिमाग में छप गएंगे अब कुछ भी हो जाए आरबीआई टिका देंगे देखें कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 ठीक है सेबी एक्ट से पहले कौन सा एक्ट चलता था जिसके अंडर कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते थे तो उसका नाम था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट नाइनटीन और इसको बाद में जाकर चेंज कर दिया गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट है? 1992 ठीक है इसके बाद में हेडक्वार्टर कहां पर है ये रहा बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स मुंबई ये नाम याद रखना है भाई क्या नाम याद रखोगे कुरला कॉम्प्लेक्स कहां पर है ठीक है इसके बाद में नॉर्दर्न ईस्टर्न साउथन एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिस ठीक है पूछे जा सकते हैं इसके चार अदर अदर सब ऑफिसेज हैं कहां, कहां पे अच्छा नॉर्थ का कहां पर होगा जनरल सी बात है नॉर्थ साइड में एक ही बड़ी सिटी है दिल्ली ठीक है दूसरी बात ईस्ट में कहां पर होगा सबसे बड़ी सिटी कोलकाता ठीक है साउथ में सबसे बड़ी सिटी चेन्नई और वेस्ट में अहमदाबाद है ना जयपुर नहीं बोल सकते थे पिलीवी नहीं है हाँ। मैं मेरे को पता है कि यहां पर खोल दे तो तुम छापा मार दो उठा लाओ सारे स्टॉक्स हाँ इतनी गई गुजरी किस्मत नहीं है हाँ दस बीस रुपए उठा लाओगे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड से शाबाश सोने का कटोरा भी देंगे ना तो ये भी की मांगेंगे देखो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू सीसीआई ठीक है वॉज द रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर द सेबी सेबी से पहले कौन सी अथॉरिटी चलती थी कंट्रोलर कैपिटल इशू ठीक है दो नाम आएंगे सीसीआई के नाम से एक तो आएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक है और सेबी को रिप्लेस सॉरी सेबी ने किसको रिप्लेस किया है कंट्रोलर कैपिटल इश्यू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिर इसके बाद में ये तो सारी डेटे बोर्ड यहां से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है देखें कितने चेयरमैन होंगे यहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक चेयरमैन होगा कौन अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट याद रहेगा क्या ठीक है इसके बाद में टू मेंबर्स हो रोंगे इसके अंदर ठीक है कहां से आएंगे अमंगज द ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है ठीक है वहां से दो मेंबर और अपॉइंट होंगे और कौन अपॉइंट करेगा ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी तो चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अपॉइंट होंगे उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कितने आदमी हो गए अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंट ठीक है इसके बाद में तीसरा देखो वन मेंबर फ्रॉम द आरबीआई एक मेंबर कहां से आएगा आरबीआई से और उसको कौन अपॉइंट करेगा आरबीआई खुद अपॉइंट करेगा समझ में आ क्या? आगे क्या दादागिरी नहीं इसके बाद में और पांच मेंबर आएंगे देखो फाइव अदर मेंबर्स ठीक है और कहां से आएंगे वो ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ये याद रखना है वो पांच आदमी कौन कौन से सेक्टर के होंगे ठीक है यहां पर लिखा हुआ है <laughs> ये रहा लो फाइनेंस अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एंड ए एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया सीए से भी आना चाहिए क्या हो गया लो फाइनेंस अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना पांच आदमी ठीक है तो पांच मेंबर यहां से अच्छा ये भी याद रखना कि जो पर्सन सेलेक्ट होगा ठीक है वो भी इन पांचों में से ही एक डिपार्टमेंट से होगा ठीक है फिर इसके बाद में फंक्शंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सेबी क्या क्या काम करता है पहला काम क्या है इसका अच्छा इसके थ्री जनरल फंक्शन है पहला काम इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज ठीक है मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को इशू करने का काम है सेबी का दूसरा काम है ठीक है इन्वेस्टर और तीसरा मार्केट सॉरी ये तो इसके पार्टेशन है ठीक है सेबी के अंदर तीन पार्टेशन है एक तो ईश्वर ठीक है एक है सिक्योरिटी और तीसरा सिक्योरिटी नहीं। अरे को कंस्ट्रक्ट करने में तीन पार्टेशन इन्वॉल्व है एक तो ईश्वर ईश्वर का मतलब जो सिक्योरिटीज़ को इश्यू करता है मतलब कंपनियां दूसरा बायर्स खरीदने वाले भी तो होने चाहिए बायर्स को अपन यहां पर क्या बोलते हैं इन्वेस्टर्स और तीसरा कौन होगा मार्के। मार्केट इंटरमीडिएटरी ये टर्म आया था ना क्या होता है मार्केट इंटरमीडिएटरी जितने भी ब्रोकर्स हैं जो पर्सन इंडिविजुअल्स के भी आप में शेयर मार्केट में क्या करेंगे एक्सचेंजेस करेंगे समझ में आ गई इसलिए टर्मिनोलॉजी पहले पढ़ाई थी मैंने यहां पर टर्म आएंगे बार बार काम में ठीक है क्योंकि यहां पर इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है ठीक है इन्वेस्टर का टर्म वहां पर आया था और मार्केट इंटरमीडिएटरीज तो शेयर मार्केट जो है वो तीन लोगों से मिलकर बना हुआ है ठीक है किस किस से ईश्वर से इन्वेस्टर से और इंटरमीडिएटरीज से ठीक है इसके बाद में इसके मेजर थ्री रोल्स हैं थ्री रोल्स में पहला रोल क्या है इसका क्वासी लेटिव क्वासी रेगुलेटिव का मतलब रेगुलेशन इन द लेग। कैपेसिटी जुडिशियल का मतलब पासिंग रूल ऑर्डर इन जुडिशियल कैपेसिटी कुल मिलाकर बात है सिक्योरिटी एक्सचेंज को रन करना उससे रिलेटेड लॉ बनाना और तीसरा काम क्या है कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड इनफोर्समेंट एक्शन इन द एग्जीक्यूटिव फंक्शन और तीसरा काम क्या है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड का ठीक है जितने भी जिस भी कैपिटल मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज का एक्सचेंज हो रहा है वहां पर इंस्पेक्शन करना ठीक है तो स्टॉक मार्केट को रन करना उसके रूल बनाना और उसका इंस्पेक्शन करना ठीक है ये शॉर्ट रन सॉरी इन शॉर्ट आपको बता देता हूं यहां पर बाकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेंगे और इसके पास पावर क्या क्या है सबसे पहली पावर है टू अप्रूव बाय लॉ ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस ठीक है ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे एन और बी इनको अप्रूवल कौन देगा देगा ठीक है फिर इसके बाद में अगला इसका रोल क्या है द रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बाई लॉज स्टॉक एक्सचेंजेस से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उनको टाइम टू टाइम क्या कर सकता है अमेंडमेंट कर सकता है ठीक है अगला इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल ऑफ पीरियडिकल रिटर्न फ्रॉम द रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है ठीक है जिन जिन कंपनियों ने मार्केट में लिस्ट करवा रखा है ठीक है उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या उनके रिकॉर्ड्स को कौन चेक कर सकता है से भी समझाइए तो इसके बाद में इंस्पेक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी यानी कि जो भी बीच में इंटरमीडिएटरी काम कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी ये चेक कर सकता है समझ में आ गए और इसके बाद में द कंपेल सर्टेन कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर इन वन और मोर स्टेक स्टॉक एक्सचेंजेस ये कंपनियों को कंपेल यानी कि मजबूर कर सकता है ठीक है अपने शेयर्स को लिस्ट करवाने के लिए एक या एक से ज्यादा स्टॉक मार्केट्स के अंदर ये बोल सकता है कि आप एनएससी में भी करवाओ और बीएससी में भी करवाओ ठीक है तो ये कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को देखकर ये डिसाइड कर सकता है कि एक कंपनी को अपने शेयर्स को कौन कौन से मार्केट में लिस्ट करवाना है ठीक है इसके बाद में आता है सेबीज रोल ऑफ बिजनेस फैसिलिटेशन इसमें कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है वैसे चलो ये यहां पर ये ऐसे कर रहा है किसका साइन होता है ये है टाइम आउट चलो कोई बात नहीं हम्म पूछो पूछो अरे क्या गया पटका पर लिया क्या हाँ बोलो क्या